तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने एटम एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर हैं। अभी तक कुछ टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था, बट आज से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और अभी हम धीरे धीरे से अपने एंडिंग सिलेबस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस भी रिड्यूस हो गया था, इसलिए सिलेबस आप लोगों का कम था और उसको फिनिश होने में बहुत टाइम अब नहीं है। आई थिंक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिविजन करेंगे हम लोग। आज हम बात करेंगे सिम्बल्स की। सिम्बल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को जो उसका नाम हो उसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने का जो प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, उसको हम सिंबल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सिंबल इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स। सिंबल्स इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन्स को, तो हाइड्रोजन्स होता है हाइड्रोजन के फॉर्म में, बट उसको हम एच के फॉर्म में उसका फर्स्ट लेटर लेके कैपिटल लेटर में इंक्लूड कर देते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट या एटम्स हैं कि जिनको मुझे दो एटम्स लेने, दो वर्ड्स लेने पड़ते हैं। उस दो वर्ड्स के लिए मैं सबसे पहला लेटर तो लेता ही हूँ, उसको कैपिटल में लिखेंगे, और उसके बाद का जो सेकेंड लेटर होगा उसको स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना। बट इससे पहले कुछ नेम हैं साइंटिस्ट के जो मुझे देखना पड़ेगा उसमें क्या नाम है। सबसे पहला नाम आता है डाल्टन्स का। डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं और डाल्टन ने ही फर्स्ट टाइम सिंबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था। यानी कि डाल्टन वाज द, अगर लिखा जाए इसको तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर्म ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, एटम्स और एलिमेंट। यानी कि डाल्टन ही वो ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट को या एटम्स को सिंबल के फॉर्म में यूज किया, ठीक है ना। उसके बाद वर्जीलियस आए थे। वर्जीलियस ने क्या बोला था, वर्जीलियस सेकेंड वन साइंटिस्ट हैं, इनको अगर लिखें हम लोग तो वर्जीलियस ने बताया था कि जो किसी भी एटम्स एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा उसका हम लोग, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ एटम्स राइट इन द कैपिटल फॉर्म। लेकिन अगर दूसरे वर्ड की भी मुझे जरूरत पड़ी तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर में नोट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज यूजिंग या राइटिंग स्मॉल लेटर। आप ये वो चीज पढ़ रहे हो, सिंबल का फॉर्म पढ़ रहे हो। सिंबल का फॉर्म मतलब किसी भी एटम या एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग नोट करते हैं उसी को हम लोग सिंबल बोलते हैं। और सिंबल के लिए दो साइंटिस्ट है, एक है डाल्टन, एक है वर्जीलियस। डाल्टन ने सबसे पहले बताया था कि किसी भी चीज को सिंबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वर्जीलियस ने उसका प्रोसेस बताया। क्या बताया कि सपोज कीजिए हम अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमने ले लिया हाइड्रोजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। इस हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया, एक तो कैपिटल एच के फॉर्म में लिखा, लेकिन इन्होंने दूसरा वहीं पे ले लिया कोबाल्ट। जब इन्होंने कोबाल्ट लिया तो इसको लिखने के लिए इन्होंने क्या यूज किया, सी और स्मॉल ओ का यूज किया। यानी कि पहला तो सी ले लिया और दूसरा स्मॉल लेटर ओ ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सिंबलाइजेशन करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरी चीज बता दूं, ये जितने भी सिंबल्स बनाए जा रहे हैं, टोटल ऑल सिंबल्स टेक्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब जैसे लैटिन वर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर सबसे पहला हम लोग लेते हैं तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं किसका, आयरन का। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयरन का, जिसको हम लोग Fe के फॉर्म में नोट करते हैं। और ये Fe जो आया था, इस Fe को लैटिन वर्ड में हम लोग बोलते हैं क्या, फेरम बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? फेरम।
अब इसी का कैपिटल लेफ्ट लिख लिया और स्मॉल लेटर ये लिख दिया, यानी कि जो भी सिंबल्स बनाया गया है वो सारे के सारे सिंबल हमारी अपनी लैंग्वेज के नहीं है, वो लैटिन वर्ड से ही उठाए गए हैं। और लैटिन वर्ड में अगर हम आयरन को देखते हैं तो यफी बोलते हैं, यफी को लैटिन वर्ड में फेरम बोलते हैं। सेकेंड वन इज है आपका सोडियम, सेकेंड है सोडियम। इस सोडियम को जो बोलते हैं हम लोग Na से डिनोट करते हैं, और ये Na जो लिया गया था वो नेट्रियम से लिया गया था, किससे लिया गया था, नेट्रियम से लिया गया था, यानी कि लैटिन वर्ड में नेट्रियम का मतलब क्या है, सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। अब इसका कैपिटल N ये है और स्मॉल N A है। थर्ड वन इज पोटेशियम, थर्ड वन इज पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग ये लिखेंगे, अगर इसको तो पोटेशियम इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और डिनोटेड वर्ड है इसका K, और ये लिया गया है केलियम से, क्या लिया गया है, केलियम से लिया गया है। पोटेशियम पी है, पी लिख दो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा अपना वर्ड है, हमारी अपनी इंग्लिश है, बट लैटिन वर्ड में जो इंग्लिश है उसको केलियम बोलते हैं, केलियम का मतलब पोटेशियम होता है, जिसको हम लोग के से लेते हैं, और यहाँ जो इंडिकेटिंग वर्ड लिया गया वो इसके के से लिया गया, लैटिन वर्ड से उठाया गया है। इसी तरह से ये सारी चीजें आपको सिंबल्स के फॉर्म में लर्न करनी होती हैं, जो आपको एलिमेंट एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होती है, किसी का नॉमिनेचर करने में हेल्पफुल होती है, किसी के आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती हैं। आगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मॉलिक्यूल एटम्स को या एलिमेंट को किस बेस से रखा गया है, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है, या एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया है, या उनके किसी और टेंडेंसीज के बेस पे रखा गया है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स। डाल्टन एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि सिंबल्स, डिस्कवरर ऑफ सिंबल्स इज द डाल्टन। सेकंड वन इज वर्जीनियस, साइंटिस्ट है वर्जीनियस, ने कहा था कि किसी भी सिंबल्स फॉर्म को डिनोट करने के लिए उसके दो वर्ड्स लिए जाएंगे, फर्स्ट वर्ड इज राइट इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड वन इज राइट इन स्मॉल लेटर। तो ये था, जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया तो हाइड्रोजन का कैपिटल लेटर ले लिया एच, तो कैपिटल एच से सिंबल कर दिया। कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट को सी कैपिटल ले लिया और स्मॉल ओ को ले लिया, यानी कि छोटा जो सेकंड वन लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स के नाम और सिंबल हम आपको यहाँ दे रहे हैं, उनके नोट के लिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दे रहा हूं, एक तो लिखेंगे हम लोग सिंबल, एलिमेंट के नेम लिखेंगे, एलिमेंट, और फिर लिखेंगे यहां पे सिंबल, एलिमेंट और सिंबल, एलिमेंट और सिंबल। पहला हम लोग लिखेंगे, पहला एलिमेंट है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको हम लोग लिखते हैं Al। दूसरा है हमारा आर्गन, दूसरा है आर्गन, इसको लिखते हैं हम लोग Ar। तीसरा है हमारा बेरियम, इसको हम लोग लिखते हैं Ba। चौथा है हमारा कार्बन, इसको हम लिखते हैं C। पांचवा है हमारा कार्बन के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम को हम लोग लिखते हैं सी ए। छठवां है हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लोग लिखते हैं सी ओ, स्मॉल ओ रहेगा, स्मॉल ओ। सेवेंथ है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं सी एल के फॉर्म में। एट्थ है हमारा कॉपर, कॉपर को हम लोग लिखते हैं सी यू के फॉर्म में। नाइन्थ है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन को लिखते हैं हम लोग एफ के फॉर्म में। ये तो था आपका, ये हम सभी का अभी तो नहीं बता सकते हैं, बट कुछ के बता रहे हैं आपको, इनको लर्न करिएगा, बाकी आगे पीरियड टेबल जब लेसन नेक्स्ट शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे लिख लेंगे उनका सिंबल, एलिमेंट एंड सिंबल, इनका नोट कर लेंगे। देखिएगा उसके बाद आता है आपका एलिमेंट है आयोडीन, आयोडीन को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। उसके बाद में हमारा आयरन, आयरन को नोट करते हैं हम लोग एफ ई से,
उसके बाद आता है लेड, इसको नोट करते हैं हम पीबी से। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग करते हैं एन से। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसको करते हैं हम लोग ओ से। ऑक्सीजन के बाद पोटेशियम एंड सिलिकेन, पोटेशियम जो मैंने अपना नोट करके रखा हुआ है कि मतलब ये चीज़ें आपको बता दूं, बाकी तो आप एक्सप्लेन करेंगे। पोटेशियम को हम लोग नोट करते हैं के से। उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन, इसको नोट करते हैं हम लोग सिलिकॉन को एस आई से, एस आई से। उसके बाद आता है सिल्वर, सिल्वर को नोट करते हैं ए जी से। ये ए जी कुछ अभी इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको हम और बता देंगे आपको कौन कौन सा ज़्यादा लर्न करिएगा। उसके बाद आता है सल्फर का, सल्फर को नोट करते हैं हम लोग एस से। उसके बाद आता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को नोट करते हैं हम लोग एम जी से। उसके बाद आता है फास्फोरस का, फास्फोरस को हम लोग नोट करते हैं पी से। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा उसको कंटिन्यू करेंगे आप लोग, सबसे पहला तो आप एल्यूमिनियम को चेक कर लेंगे, कार्बन को, कैल्शियम को, क्लोरीन को, कॉपर को, उसके बाद आ जाएगा आयरन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, पोटेशियम को, सिलिकॉन को, सिल्वर को, और फास्फोरस और मैग्नीशियम को। इतने को तो आपको लर्न करना ही करना है, तो कुछ नहीं तीन चार छोटे हुए हैं, बट ये जिस पर टिक कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ये आपका सिंबल्स के फॉर्म में था, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।